गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे लगा सकते हैं और कैसे सेट कर पाएंगे फिंगरप्रिंट लॉक को अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को अपने फ़ोन से लगा सकते हैं। फ़ोन में सिंपली बस सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे और सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली बस आपको सिक्योरिटी पे जाना है, सिक्योरिटी सेटिंग से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे बायोमेट्रिक पासवर्ड सेटिंग, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को आप सेट कर पाएंगे और लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है, पासवर्ड डाल देना है, जहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक आप ऐड कर सकते हैं। ऐड फिंगर्स पे जाकर इस तरीके से देख सकते हैं कि फिंगर आपके फ़ोन में कुछ सेकंड के अंदर आपके फ़ोन पे लग जाएगा, बस आपको टैप करते जाना है। तो फिंगरप्रिंट लॉक डन का ऑप्शन आ गया, यानी आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लग चुका है, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को आप सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।